घूम घूम घड़ियाल पहली बार अकेले तैरते हुए सैर के लिए निकल पड़ी। तभी उसने पाया कि उसके परिवार के बाकी लोग आगे चले गए हैं और वो पीछे रह गई है। भटकती हुई घूम घूम को क्या अपना परिवार मिला? आइए घूम घूम के संग गंगा नदी में सैर पर चलते हैं, जहां हमारी मुलाकात होगी कई अनोखे जीवों से। कहानी का शीर्षक है घूम घूम घड़ियाल का अनोखा सफर। लेखिका अपर्णा कपूर। चित्र बनाए हैं रोशन कुरिचियानील और हिंदी में अनुवाद किया है सुमा चंद्रमौली। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। आज घूम घूम बड़े जोश में थी। वो पहली बार तैरने जाने वाली थी। ब्राप ग्रूप ये ऐसी सब आवाजें निकालते हुए उसके परिवार के दूसरे घड़ियालों ने खुशी जताई। घूम घूम ने छलांग लगाई तो पहले उसकी नाक पानी से टकराई और वुश वो हर तरफ से नदी के पानी से घिर गई। घूम घूम ने इधर उधर पैर चलाए और पूंछ हिलाई, देखो पापा मैं तैर रही हूं, देखो देखो पापा। घूम घूम ने आगे देखा और पीछे देखा, दाएं देखा बाएं देखा, पापा। उसने खुद को अकेला पाया। परिवार के दूसरे सदस्य उसे छोड़कर आगे निकल गए थे। एक उदबिला पास से गुजरा। घूम घूम ने उससे पूछा, उद भाई क्या आपने मेरे परिवार को देखा है? उदबिलाव बोला, नहीं लेकिन मैंने आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमाते जरूर देखे हैं। तुम्हें देखने हैं? धन्यवाद भाई, अभी नहीं फिर कभी, घूम घूम बोली। तभी आवाजें आई, खजाक फजाक। ये उसके परिवार वालों की आवाजें थी। उसे लगा सब वही आसपास है। घूम घूम खिलखिला उठी और तैरती हुई उसी ओर बढ़ चली। अचानक एक डॉल्फिन ने उसके आगे पानी से बाहर छलांग लगाई। घूम घूम ने पूछा, डॉल्फिन दीदी क्या आपको पता है मेरा परिवार कहाँ है? डॉल्फिन बोली, नहीं लेकिन मुझे ये मालूम है कि सबसे मज़ेदार मछलियाँ कहाँ मिल सकती है, क्या तुम खाना चाहोगी? धन्यवाद दीदी, अभी नहीं अगली बार सही, घूम घूम ने कहा। तभी फिर से कुछ आवाज आई, धर्रप घर्रप। उसके परिवार वाले। घूम घूम खुशी से खिलखिलाती हुई उस आवाज की ओर तैर चली। उसे किनारे के पास पत्थर पर एक घोंघा दिखाई दिया। क्या आप मेरे परिवार को ढूंढने में मदद कर सकते हैं घोंघा मामा? घूम घूम ने पूछा। माफ करना पर आराम करने के लिए सपाट चट्टान चाहिए तो मैं बता दूं, घोंघे ने कहा। धन्यवाद मामा, अभी नहीं फिर कभी, घूम घूम ने कहा। तभी भर्र झर्र ऐसी आवाज सुनाई दी। अरे मिल गए घरवाले, वो खिलखिलाकर हंसी और उस आवाज की ओर बढ़ चली। वहां घूम घूम का एक बुजुर्ग घड़ियाल से सामना हुआ। उनके आसपास कई नन्हे घड़ियाल तैर रहे थे। दादू दादू क्या आपने मेरे परिवार को देखा है? घूम घूम ने पूछा। क्या तुम्हारा नाम घूम घूम है? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ हाँ मैं ही हूँ घूम घूम, घूम घूम ने चहक कर कहा। तब तो मैंने तुम्हारे परिवार को जरूर देखा है, वो तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे थे छुटकी। सुनो नदी में आगे कुछ दूरी पर तुम्हें सब मिल जाएंगे, ध्यान से सुनो, उनकी आवाजें भी सुनाई दे रही है। घूम घूम ने ध्यान से सुना, बाकी नन्हे घड़ियालों ने भी कान लगाकर सुना। ग्रप घूम पर्रप घूम घूम घूम। उसे अपना परिवार मिल गया था, वो लोग ज्यादा दूर नहीं थे। घूम घूम खिलखिला उठी, आवाजों की ओर तैरने लगी। तेजी से तैरकर घूम घूम नदी के किनारे तक जा पहुंची। वो तैरते तैरते थक गई थी।
रेंगती हुई वो रेत पर पहुंची। तभी आवाज आई, घूम घूम। घूम घूम ने खुश होकर पुकारा, पापा। उसने एक बड़ा सा साया अपनी ओर बढ़ते देखा, वो उसके पापा थे। पापा, पापा ने झुककर घूम घूम को प्यार किया। आ गई मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? मैं एक अनोखे और मजेदार सफर पर गई थी पापा, घूम घूम ने खिलखिलाकर कहा और बोली, और कल फिर मुझे जाना है। घूम घूम गंगा नदी में अपने बड़े से घड़ियाल परिवार के साथ रहती है, जो दिन भर पानी में छपाके मार मार कर शोर मचाता रहता है। वो रोज खाने के लिए मछलियों और कीड़े मकोड़ों की तलाश में निकल जाती है। रोज ही घूम घूम की मुलाकात तरह तरह के जीवों से होती है, घोंघे, उदबिलाव, डॉल्फिन, मछुआरे, मौंजी, बगुले, सारस, भैंस, सांप और कई दूसरे जीव उसे मिलते हैं। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।